नमस्कार दोस्तों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि पश्चिमी राजस्थान में वर्षा की विषमता अधिक होती है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आखिर ये वर्षा की विषमता क्या होती है, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो एक उदाहरण से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तीन उदाहरण मैंने यहाँ पर लिए हैं, एक जैसलमेर, एक है झालावाड़ और एक जो जगह हमने यहाँ पर सेलेक्ट की है उसका नाम है मोसिनराम। और तीनों जगह के कुछ उदाहरण हम लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर तीन जगह की वार्षिक वर्षा को यहाँ पर दिखाया है। जैसे जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर मैंने इसको 10 सेंटीमीटर लिया है, झालावाड़ की जो औसत वार्षिक वर्षा है इसको 100 सेंटीमीटर लिया है, और मोसिनराम जो कि भारत का ही नहीं बल्कि दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है, जो कि मेघालय में स्थित है, यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा है उसको 1000 सेंटीमीटर लिया है। अब देखिए, वर्षा की विषमता किस प्रकार से परिवर्तित होती है। मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 2022 के आंकड़े लेता हूँ। मान लीजिए कि 2022 में जैसलमेर में, वैसे जनरली यहाँ पर औसत जो वार्षिक वर्षा है वो 10 सेंटीमीटर होती है, और मान लीजिए कि 2022 में यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई और हम कहते हैं कि इस साल यानी कि 2022 में यहाँ पर वर्षा 20 सेंटीमीटर हुई, और 2022 में ही हम ये मानते हैं कि झालावाड़ में यहाँ पर भी वर्षा जो है 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, यानी कि जैसे यहाँ पर औसत वर्षा 10 सेंटीमीटर थी लेकिन 2022 में 10 सेंटीमीटर ज्यादा हुई यानी कि 20 सेंटीमीटर हो गई, उसी प्रकार से 10 सेंटीमीटर यहाँ पर ज्यादा हो गई तो यहाँ पर 110 सेंटीमीटर हुई, और मोसिनराम में भी 10 सेंटीमीटर बारिश बढ़ गई तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पर 1010 सेंटीमीटर बारिश 2022 में हुई। और अब इसको हम निकालते हैं कि आखिर वर्षा की विषमता किस प्रकार से निकाली जाती है। देखिए, इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है, उसके माध्यम से हम निकालते हैं। और वो फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और वो फॉर्मूला है परिवर्तिता परिवर्तिता बटा औसत वर्षा गुणा 100। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम जैसलमेर की जो विषमता है, वर्षा की विषमता है, इसको निकालते हैं। सामान्य तौर पर यहां पर औसत जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी दी हुई है, 10 सेंटीमीटर, लेकिन 2022 में कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। तो इस फॉर्मूले से निकालते हैं हम इसको, तो वो इस प्रकार से निकाला जाएगा, परिवर्तिता यानी कि इस साल कितना परिवर्तन हुआ है। सामान्य तौर पर यहां पर 10 सेंटीमीटर बारिश होती थी जो कि इसका औसत था, इस साल हो गई 20, यानी कि कितनी बढ़ गई, 20 माइनस 10 यानी कि 10, तो परिवर्तन कितना हुआ, 10। और औसत वर्षा जिसको हम आधार में रखेंगे ये कितना है, औसत यहां पर होता है 10 और गुणा इसको करेंगे हम 100, 10 से 10 कट जाएगा तो कितना है हमारे सामने, 100। यानी कि जैसलमेर में जो वर्षा की विषमता है वो यहां पर 100 सेंटीमीटर आ रही है। अब इसी को हम करते हैं और हम निकालते हैं झालावाड़ के लिए, इसको निकालते हैं। तो देखिए, झालावाड़ के लिए इसको किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम यहां पर भी वही फॉर्मूला काम में लेंगे, यानी कि परिवर्तन कितना हुआ है, सामान्य तौर पर यहां पर बारिश कितनी हो रही है, 100 सेंटीमीटर, और 2022 में कितनी हो गई है, 110, यानी कि बढ़ी कितनी, तो जनरली होती थी, इस साल 110 हुई है तो 10 बढ़ गई, तो यहां पर हम परिवर्तन 10 और आधार में क्या रखते हैं, औसत वार्षिक वर्षा कितनी है तो वो है 100 और गुणा 100, 100 से 100 कट जाएगा तो 10।
झालावाड़ में 10 सेंटीमीटर विषमता है। और इसी को हम मोसिनराम में निकालते हैं, कितना है, फॉर्मूला वही रहेगा, सामान्यतः यानी कि औसत वार्षिक वर्षा यहां पर 1000 सेंटीमीटर, लेकिन 2022 में जैसे कि यहां पर 10 सेंटीमीटर बड़ी 20 सेंटीमीटर होगी, यहां 10 सेंटीमीटर बड़ी 110 सेंटीमीटर होगी, यहां पर भी 10 सेंटीमीटर ज्यादा हुई तो 1000 से 1010 सेंटीमीटर होगी, तो परिवर्तन कितना हुआ 10, आधार में रखेंगे 1000 जो कि औसत वार्षिक वर्षा है और गुणा 100 को काटेंगे हम, 10 से 10, 2 से 2, यानी कि यहां पर जो परिवर्तन है केवल कितना है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। या जिसको अगर हम प्रतिशत के में निकालें तो यहां पर जो वर्षा की परिवर्तिता है वो कितनी है 100%, यानी कि जैसलमेर में 100%, झालावाड़ में कितनी है तो वो है 10%, और मोसिनराम में ये जो परिवर्तिता है वो है 1 सेंटीमीटर, यानी कि औसत वर्षा में जितना परिवर्तन आता है वो वर्षा की विषमता कहलाता है। तो इसको हम एक यहाँ पर परिभाषा के द्वारा बड़ी आसानी के साथ में समझ सकते हैं, और वो ये है कि किसी स्थान या किसी क्षेत्र विशेष की औसत वर्षा में वहां पर होने वाली जो औसत वर्षा है उसमें होने वाला परिवर्तन वो वर्षा की विषमता कहलाता है। और यहां से हम एक बात और ध्यान में रखेंगे कि जहां पर वर्षा का औसत जितना कम होता है, वर्षा का औसत जितना कम होता है वहां पर परिवर्तिता उतनी ही ज्यादा होती है। जैसे अभी हमने जैसलमेर में देखा वर्षा का औसत वार्षिक औसत 10 सेंटीमीटर था तो वहां पर वर्षा की विषमता 100% थी। झालावाड़ का हमने उदाहरण लिया, वहां पर वर्षा का औसत थोड़ा ज्यादा था तो वहां पर परिवर्तिता यानी कि वो 10% के आसपास आई, और मोसिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा का औसत था तो वहां पर वर्षा की परिवर्तिता केवल 1% थी। यानी कि अगर वार्षिक वर्षा कहीं पर ज्यादा है तो वहां पर वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम होगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू।